काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मेन मुद्दे की बात यही है, क्योंकि जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक काउंसलिंग आप करेंगे कैसे। तो बात करें काउंसलिंग स्टार्ट कब हो सकती है, तो मैं 6 नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है, सीएसए बीएससी एजी। वैसे डेड यहाँ बस क्लियर कर लिखा हुआ है कि जो सीएसए यूनिवर्सिटी है वो एक्रीडेटेड नहीं है आईसीएआर से। हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग वेरी वेल होंगे और साथ ही साथ आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे जो भी नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ICR है और BHU का एग्ज़ाम जो कि आने वाला ही है। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि ICR का एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आ चुकी है, DDU का भी एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही, तो इन सब की आप लोग प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं UP कैडेट के ऊपर जो वीडियो बनाने वाला हूँ आज का, उसमें मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि टॉप 6 जो चॉइस फिलिंग है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ UP कैडेट की जो काउंसलिंग अभी तक रुकी हुई है उसका कारण क्या है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, कब स्टार्ट हो सकती है जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सूचना जो कि अति आवश्यक है आप लोगों को जानना चाहिए CSA को लेकर आई है, वो क्या है सूचना जो ICR ने जारी की है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी आपको लोगों को ज़रूर जानना चाहिए क्या है सूचना, जिससे कारण आपको जो है यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प मिलेगी। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप टॉप 6 चॉइस फिलिंग UP कैटर 2022। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कोई नई वीडियो है इससे रिलेटेड UP कैटर से, BHU से, ICR से रिलेटेड कुछ भी जो नया अपडेट आता है उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं अगर सबसे पहले बात करूँ जो चॉइस फिलिंग की आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपकी CSA होनी चाहिए। और इसके CSA तो मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ये ट्रेंड है कि सभी लोग जो है CSA को पहले प्रेफर करते हैं, लेकिन जो मैं सूचना बताने वाला हूँ लास्ट में उसके भी इम्पॉर्टेंट, अगर उसको देखेंगे तो आप CSA को हटा भी सकते हैं फर्स्ट प्लेस से, उसकी जगह पर दूसरी यूनिवर्सिटी को ही चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सूचना ही इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो ICR ने जारी की है। तो यहाँ पर बात करें अगर चॉइस फिलिंग की, तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है, पहले तो 3 कॉलम इस प्रकार से बने मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की होगी और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर इधर रिमार्क का रहेगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी, मान लीजिए आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट प्लेस पर आपको चूज़ करनी है तो वो है CSA, ठीक है। तो सबसे पहले आप CSA चूज़ कर लिए, उसके बाद में जो आप चूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में आपको BSc AG चूज़ करना है, BSc AG ऑनर्स। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो BSc AG ऑनर्स की होंगे, वहाँ पर BSc AG का कोई सब्जेक्ट नहीं चलता है, BSc AG ऑनर्स का ही कोर्स वहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि CSA, तो ये जो CSA रहेगा यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा मेन कैंपस, क्योंकि एक CSA का जो एक है वो कैंपस भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किससे भरना है, CSA मेन कैंपस चूज करना है, उसमें मेन कैंपस में आपको BSc AG सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपको ND, दूसरे नंबर पर NDUAT चूज करना है, जो कि बढ़िया यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है मेन कैंपस, क्योंकि इसके एक जो है कैंपस भी है जो आजमगढ़ में है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो इसमें आपको चूज़ करना है मेन कैंपस, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, BSc AG। नेक्स्ट बात करें तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, सरदार वल्लभ पटेल जो है मेरठ की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको चूज़ करना है कि उस, और उसके बाद उसमें जो आपको इसमें जो है आपको एक ही दिखाएगा जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस या मेन कैंपस के नाम से होगा, क्योंकि वहाँ पर इसका कोई दूसरा कैंपस है ही नहीं। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, उसमें सब्जेक्ट चूज करना है BSc AG ऑनर्स। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट पे आपको चूज करना पड़ेगा बांदा, BUAT, इसे चूज करना है। इसमें भी आपको मेन कैंपस या यूनिवर्सिटी कैंपस ही दिखेगा क्योंकि इसका भी कोई अदर कैंपस है ही नहीं। इसमें भी आपको क्या चूज करना है सब्जेक्ट में, BSc AG। ये होगी चार काउंसलिंग, सॉरी चार जो स्टेप हुए चारों यूनिवर्सिटियों के, इस प्रकार से पहले आपको भरना है। अब बात करें पांच और छठी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। ये मत भूलना कि चार यूनिवर्सिटी है, चार जो है वो हो गई, चार यूनिवर्सिटी फिल हो गई। यहाँ पर आपको पांचवी और छठी जो ध्यानपूर्वक सुनिए, सबसे पहले आपको फिर भरना है ND, पांच नंबर पर ND, UAT, NDUT। यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, यहाँ पर कैंपस आएगा, यहाँ पर कैंपस आपको सिलेक्ट करना होगा, कैंपस आजमगढ़, इस नाम से होगा, NDUT आजमगढ़। यहाँ पर जब NDUT आजमगढ़ सेलेक्ट करोगे तब यहाँ पर आपको फिर से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तब आप करेंगे BSc AG। तो यहाँ पर जो है यह कैंपस हुआ जो कि आजमगढ़ में है NDUT का। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है CSA लखीमपुर खीरी। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चूज करना है BSc AG। वैसे वहाँ पर BSc AG ही चलता है, तो आपको एक ही सब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें BSc AG ही आपको चूज करना है CSA में लखीमपुर में। तो ये टॉप सिक्स जो हैं वो चॉइस फिलिंग है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आपको ऐसे चूज़ करना है। क्योंकि आप अब बात करेंगे आप कि CSA क्यों नहीं फर्स्ट पर इसे लखीमपुर में किए, क्योंकि कैंपस से ज़्यादा अच्छा होता है मेन कैंपस, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, तो कैंपस से अच्छा है मेन कैंपस। तो कोशिश करें पहले जो है आपको मेन कैंपस मिले, उसके बाद में जो है कैंपस की प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर CSA का कैंपस जो है वो लास्ट में भरना है। अब आपको बता दें कि सूचना क्या है CSA से रिलेटेड, तो आप लोगों को ले चलते हैं PDF पर। यहाँ पर आप लोग देखिए लिस्ट ऑफ एग्रीडेशन नॉट एग्रीग्रीएटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ एज ऑन 17 मार्च 2022। ये 17 मार्च 2022 को जो है इसकी लिस्ट आई है जो कि ISER के द्वारा जारी की गई है। इसमें कौन से कॉलेज एग्रीडेटेड है, कौन से कॉलेज नॉन एग्रीग्रेटेड है, और उसी साथ जो है यूनिवर्सिटी कौन सी एग्रीडेटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्रीडेटेड नहीं है। तो ये एग्रीडेशन जो है इंपॉर्टेंट रखता है, जो PG के स्टूडेंट हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से पता ही होगा, जो PG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस बार, जो UG कर चुके हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नॉन ISER एग्रीडेटेड कॉलेज से BSc किए होंगे, BSc की डिग्री, तो उन्हें पता होगा कि वो GRF जो हायर एजुकेशन होता है ISER का, उसमें आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप नॉन एग्रीडेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BSc की डिग्री लेते हैं, तब जाके आपको GRF SRF जो थ्री हो जाएंगे हायर एजुकेशन जो है ISER के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये सब जो है इसमें ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। इसी को रिलेटेड जो है ISER का जारी हुआ है जो कि CSA से रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सभी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियों के साथ साथ उनके कॉलेज दिए गए हैं, कौन कौन से कॉलेज जो हैं एग्रीडेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का, MP, महाराष्ट्र, मणिपुर, न्यू दिल्ली उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी दी गई है,
पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की दी गई है बांदा, यहाँ पर आपको प्राइवेट भी दिखने को मिल जाएगा, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा, जो कि इसका एग्रीडेशन किससे है, बी ग्रेड से है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बांदा में है वो उसकी 5 ईयर की जो है ये 2018 से 23 तक जो है का एग्रीडेशन है बी सी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर उसका भी एग्रीडेशन है जो कि 2023 तक है, ये आगे बढ़ जाते हैं, ये एग्रीडेशन जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये भी एक गवर्नमेंट है जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, जो कि नॉन एग्रीडेटेड है, जिसमें कि अभी अलीगढ़ जो है 2024 तक इसमें चल रहा है इसका एग्रीडेशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट बात करें नरेंद्र का, जो कि बी ग्रेड से एग्रीडेटेड है, बी ग्रेड से है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर 5 ईयर, उसी में एमएससी भी देख सकते हैं, एमएससी जैसे एग्रोनॉमी बायोकेमिस्ट्री इकोनॉमिक्स मेट्रोलॉजी स्टैटिक्स क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सभी जो हैं जितने भी दिए गए हैं इस भी एग्रीडेटेड हैं कॉलेज, और यहाँ पर बीबीएससी वेटनरी जो है वो भी एग्रीडेटेड कॉलेज है आईसीआर से। और यहाँ पर आप देखिए सीएसए के बारे में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नॉट एग्रीडेटेड, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो सीएसए यूनिवर्सिटी है वो एग्रीडेटेड नहीं है आईसीआर से, पहले ये थी लेकिन अब जो है ये नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीडेशन नहीं है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का। ये एक सूचना जो अभी जल्द ही जारी हुई है तो इसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, जो भी कि जो जैसे कि हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है ये होता है, जैसे कि इस वक्त नहीं है एग्रीडेशन लेकिन हो सकता है अगले साल एग्रीडेशन फिर मिल जाए आईसीआर के द्वारा, उसकी नेक की टीम आती है जाँच होती है उसके बाद फिर से भी मिल सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका एग्रीडेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी बात कर लिया कि ये सूचना जो है जारी हुई है इसके द्वारा, बाकी आपकी जो मैंने टॉप 6 जो चॉइस फिलिंग है उसके बारे में भी बात कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मेन मुद्दे की बात यही है, क्योंकि जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक चॉइस फिलिंग आप करेंगे कैसे। तो बात करें काउंसलिंग स्टार्ट कब हो सकती है, तो मैंने जहाँ से पता किया है सोर्स से तो वहाँ से हिसाब से मेरे हिसाब से काउंसलिंग जो है वो अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि अभी तक एमबीए वालों की जो है रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आया था क्वालिफाइड, उसके बाद हुआ था जीडीपी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, उसके होने के उपरांत अभी परसों जो है इसका जो है रिजल्ट आया है। तो अब रिजल्ट आने के बाद अब उन लोगों को पता चली है रैंक, इसी की वजह से जो है डिले हो रही थी काउंसलिंग, अब एमबीए वालों का रिजल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, अब जाके जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है बस 4-5 दिनों में, तो आप लोग तैयार रहिए चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो अब जल्द से जल्द ही आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी, तब आगे पता चल जाएगा कि किस डेट से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और आप ये भी बात याद रखिए कि हमेशा जो पहले यूजी की काउंसलिंग होती है उसके बाद पीजी की होती है, तो हो सकता है इस बार भी यही प्रोसेस रहे, क्योंकि ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है यूजी के बाद पीजी की उसके बाद पीएचडी की काउंसलिंग होती है, तो ऐसे एक सेटअप होता है, तो हो सकता है इस बार भी यही सेटअप रहे। तो आप लोग तैयार रहिए, यूजी की जो काउंसलिंग है वो 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कब से स्टार्ट होने वाली है। बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही कोई नया अपडेट ऑफिशियल आता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों में जो भी स्टूडेंट हैं 12th एजी में या 11th में है हाई स्कूल में है, जो भी आगे आईसीआर यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री डेली क्विजेज मिलती हैं, हिंदी में भी मिलेंगी आपको इंग्लिश में भी मिलेंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर और भी अदर स्टेट के भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, जैसे कि जेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग साथ में जब ज्वाइन करेंगे आप लोग साथ में कंपटीशन करेंगे तो आप लोगों की जो तैयारी हो अच्छी होगी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है फिर से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।